हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशो डीवी सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल पर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियोज़ यहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का रैंडम क्वेश्चन और कमेंट और आ रहे थे मैसेज मुझे कि IBPS PO प्रीलिम्स के लिए जो लास्ट अपडेट बचे हुए हैं उसमें मैं कैसे प्रिपरेशन को अच्छा करूँ, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, आज वीडियो बना ही देता हूँ, ठीक है। अब हम इस प्रिपरेशन के अब एग्ज़ाम के लास्ट दौड़ में ही है। अब मुश्किल से 10 डेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 डेज ही मैं लेके चल रहा हूँ कि 10 डेज में आपको लास्ट डेज में क्या करना है, आपका एग्ज़ाम जब भी हो तो आप अभी से लेके एग्ज़ाम के डेज में कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक प्लान, एक फाइनल टच जो होना चाहिए IBPS PO के लिए वो क्या देना चाहिए हमें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जितना काम की होगी मैं उतना ही खींचने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जहाँ तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ वहाँ तक ही वीडियो को पढ़ाऊँगा, तो वीडियो पूरा पूरे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वन बाय वन प्लान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये PO का पेपर है, ठीक है, और प्रीलिम्स है, तो आपको इसमें मॉक तो देना होगा और वो मॉक डेली एक देना होगा, ठीक है। और मॉक देने के बाद मॉक को एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो आप एनालिसिस करेंगे। और जैसे ही आप मॉक एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी आपका टॉपिक जो होगा वो वीक है, जहाँ से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक को नोट डाउन कर लेंगे और उसके कम से कम 25 क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व करेंगे। ये आपके हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। बात कर लेते हैं पढ़ने का, तो अभी आप कोई नया टॉपिक मत पढ़िएगा। जैसे कि यदि मान लीजिए आपने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, जितना पढ़ा है आपने उसी को भी अच्छा करिए, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वांट में, तो एक तो आपको मॉक देना ही है क्वांट में। आपको डेली अभी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम है आपको 10 क्वेश्चंस तो कम से कम सिंप्लीफिकेशन के करने ही चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी स्पीड यहीं से आनी है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करके जाओगे आपकी स्पीड यहीं से आनी है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हम करेंगे डेली, ठीक है। और उसके बाद मैं डेली टारगेट्स दे ही रहा हूँ आप सब लोग को, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ 25 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के हमें करने चाहिए। अब मैं टारगेट्स में कुछ कम भी कर दूँ तो आपको वो या तो कम वाले करिए या आपको 25 क्वेश्चंस ये वाले अरिथमेटिक के करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे क्वांट के। और दूसरी बात, यदि क्वांट में आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो किस टॉपिक का है और किस टाइप का है, वो टाइप का मैंने बेसिक्स क्लियर किया है कि नहीं किया। बेसिक क्लियर किया है तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम एट ए टाइम वहीं पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में उस टाइप का क्वेश्चन यदि आए तो हमसे वो छूटे नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी चीज़ को रिविज़न करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है कि वो जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है तो उसको जो भी चैप्टर को हमने पढ़ा है वो चैप्टर जो आगे जो क्वेश्चन आए तो हमें उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से उसी टाइम हमें करना होगा। ऐसा नहीं कि मॉक दे लिया और उठ के चले गए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और उठ के चले गए घूम रहे उसके बाद फिर उसको छू तक नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। सोर्स की कुछ लोग बात करते हैं कि सर कहाँ से सॉल्व करें। देखिए, आप नॉर्मली भी गूगल पर सर्च कर लेंगे सब्जेक्ट का नाम देके तो बहुत सारे PDF ले लेंगे, ठीक है। और नहीं तो बुक भी ले सकते हैं, आप एस क्वांट की बुक आते हैं, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व करते हैं। यदि आपके क्वांट बेहतर हैं तो आप क्वांटम कैट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एस क्वांट आप करिए, ठीक है। और PDF वगैरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको PDFs मिल जाएंगे, तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे PDFs अवेलेबल होते हैं, या नॉर्मल स्क्रीन से ही बिना PDF के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे भी आपको गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुलते हैं। आपको तो सॉल्व करने से मतलब है ना, तो कहीं से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग पेड भी बेचते हैं तो वहाँ से पेड भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो पेड भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वहाँ से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत सारे लोग
पजल से डर जाते हैं, ठीक है? आपको नहीं डरना है। आप क्यों ना 10 पजल की प्रैक्टिस डेली करें, बिना रुके हुए एक सिंगल डे इतना प्रैक्टिस करें, और बाकी जो भी चैप्टर है सिलोजिज्म, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, क्यों ना इसके हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली कर लें। इनइक्वलिटी ईजी चैप्टर है, फिर भी क्यों ना हम 10 क्वेश्चंस की डेली कर लें। ये सब डेली करने से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, हमारा इनपुट आउटपुट हो गया, इस सब की क्यों ना 5-5, 10-10 क्वेश्चन हम डेली, जो भी आपकी टाइमिंग के अनुसार है, आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। टाइम कम बच रहा है तो इस सब के 5-5 क्वेश्चन भी कर सकते हो, पजल के भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो, बट हाँ एक रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल नहीं किए परसों, कि अब लास्ट टाइम है। अभी भी यदि आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर दिक्कत कर सकता है ये आगे आपको, ठीक है? तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन कहाँ से लेना, जैसे मैंने एक अंकुश लांबा सर की पजल मैनिया बुक थी, बुक है, तो उससे भी किया था मैंने। वैसे अब अभी आपको वो बुक मार्केट में अवेलेबल शायद नहीं होगा, अमेज़न पे था तो मैंने वहाँ से मंगाया था। मैंने प्रीलिम्स एग्जाम से पहले उसको सॉल्व किया हुआ था पजल मैनिया को, तो वो था बुक। वैसे मेरे पास अंकुश लांबा सर के टारगेट बैच थे जो वो पेड हैं उनका, तो वो मैंने ख़रीदा हुआ था, तो मैं वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता रहता था, तो वहाँ से मैं टारगेट बैच से करता रहता था। बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको टारगेट बैच खरीदना है अभी। आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुल के मिलेंगे और आपको वहाँ से उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये था रीजनिंग के लिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश। ये बहुत सारे लोग यार पूछते रहते हैं कि सर मैं इंग्लिश में वीक हूँ। देखिए दोस्तों, आपने दिमाग में ये बना कर रखेंगे कि मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश में वीक हूँ, तो आप इंग्लिश कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। इंग्लिश ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो मैंने खुद अपनाया। भाई मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, रीडिंग क्या, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल। यदि आपको नहीं मन कर रहा एडिटोरियल पढ़ने का किसी दिन, तो आप नोबेल पढ़ सकते हैं, वो तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन रीडिंग करिए, इतना रीडिंग करिए कि आपको कोई भी लाइन सामने से आ जाए तो पता चलना चाहिए कि भाई इसके बाद यही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। इस लेवल का रीडिंग करना, और ये एक दो दिन में नहीं आता दोस्तों, मैंने खुद रीडिंग से ही सारा कुछ किया है। यदि ग्रामर आपने कहीं से पढ़ रखा हुआ है तो उसको रिविज़न करते रहिए एक बार ग्रामर को, ठीक है? ग्रामर रिविज़न करते रहिए, रीडिंग करते रहिए, और सेक्शनल मॉक देते रहिए। इंग्लिश के क्विजेस यदि आप देते हैं तो वो भी देते रहिए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। हाँ, बट देखिए कि जहाँ पे गलती हो रहा है एट ए टाइम उसको ठीक करिए, और देखिए, और उसको ग्रामर के रूल से भी मैच करना है तो वहाँ से मैच करिए, या कहीं से भी रीडिंग से करना है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये सब सॉल्व करिए डेली। डेली क्लोज टेस्ट सॉल्व करिए 5, पैराजम्बल सॉल्व करिए 5, तो ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आप मॉक तो दे ही रहे हो, सेक्शनल, एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दीजिए, और एक ओवरऑल मॉक तो आप दे ही रहे हो, तो ये आप दीजिए। इस तरह से प्रिपरेशन को आप अच्छे से करिए, ठीक है? आशा करते हैं जब समझ गए होंगे, और अब लास्ट टाइम में बहुत जम के मेहनत करेंगे, यही टाइम है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है अंत भला तो सब भला, तो हम क्यों ना अंत में अपना 1000% एफर्ट दें, जो भी हम एफर्ट दे सकते हैं। तो हम करते हैं प्रिपरेशन को एक लास्ट पॉलिश करते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम है सबका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, यही हम आशा करेंगे। आप सब एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और आप सबका सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, आप सब लोग बैंकर बने। बट उसके लिए उससे पहले कुछ मेहनत तो करना होगा ना, तो बस यही है हमारा मेहनत का लास्ट चांस, हम इसको मौका दें यहाँ पे और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करें लास्ट डेज में, ठीक है? क्योंकि लास्ट डेज में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं, तो ये गलती हमने नहीं करनी है, हमने पढ़ना है, ठीक है? तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमें मेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को।